नमस्कार, न्यूज 18 गुजराती में आपनुं स्वागत छे अने आपनी साथे हूँ छूं मित्तल खाणिया। महत्वना समाचार। अयोध्यामां महामहोत्सव चाली रह्यो छे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठानुं काउंटडाउन शुरू थई गयुं छे। सोमवारे पीएम करशे प्राण प्रतिष्ठा, त्यारे अयोध्या राम माटे तैयार छे। 22 जानुआरीनी राह अयोध्याथी। अखंड कवरेज अमे आपने बतावता रहीशुं। बस हवे मात्र एक दिवस, न्यूज 18 पर दिवस भर आप अयोध्यानी झांकी जोई शको छो, प्राण प्रतिष्ठा जोई शको छो अने रामलल्लाना दर्शन करी शको छो। अयोध्या नगरी अत्यारे संपूर्ण राममय बनी चुकी छे। तमाम दृश्यो अयोध्याथी आपने बतावी रह्या छे के ज्यां अयोध्या नगरी ने सजावामां आवी छे। मोटी संख्यामां अत्यारे पगपाळा अयोध्यामां भक्तो पहोंची रह्या छे, साधु संतो पहोंची रह्या छे, दूर दूर थी, देश विदेश थी अत्यारे लोको अयोध्या आवी रह्या छे। बस मात्र हवे एक दिवस, 22 जानुआरी के ज्यारे प्राण प्रतिष्ठा थशे, पीएमना हस्ते आ प्राण प्रतिष्ठा करवामां आवशे, त्यारे न्यूज 18 पर अयोध्याथी दिवस भर आप अखंड कवरेज निहाळी शको छो। तो अयोध्याथी मारी साथे मारा सहयोगी जोड़ाई चुक्या छे संध्या। संध्या, वात करी अयोध्यानी तो अत्यारे मोटी संख्यामां लोको पण त्यां आवी रह्या छे, उत्साहनो माहोल छे। बस हवे मात्र एक दिवस। बिल्कुल 24 कलाकनी राह छे, परंतु आ 24 कलाकनी राह छेल्ला 500 वर्षथी जोवामां आवी रही हती। जे 14 वर्षनो वनवास प्रभु रामे विताव्यो हतो, परंतु भारतवासीओए तो आ वनवास छेल्ला 500 वर्षथी जाणे के करता होय तेवी अनुभूति अहींना लोकोने हती, परंतु हवे घड़ी पण नजीक आवी गई छे। रामलल्लाने निहाळवा माटे जे राम भक्तो छे तेमनी जे आँखो छे ते तरसी रही छे। कहाँ से आए आप? पुना से आए। पुना से आए? मैं एमपी बुंदेलखंड से आया हूँ। मैंने अच्छा एक भजन का निर्माण किया है, वो आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। सुबह सुबह सवार में जयरे अपने सवार में जयरे उठता हुए छे तेरे भजन थी शुरुआत थती हुए छे, नहीं जी भक्तो छे ते पण भजन थी शुरुआत करवा माटे। गौरी पुत्र श्री गणेशाय नमः, श्री शंकराय महादेवाय महेश्वराय नमः। समय आ गया राम राज्य का, पूर्ण हुए सब काम, मिलके बोलो खुल के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर भव्य अयोध्या नगरी विश्व में हो गया नाम, मंदिर भव्य अयोध्या नगरी विश्व में हो गया नाम। साधु संत और राम भक्तों के मन को मिला आराम, साधु संत और राम भक्तों के मन को राम भक्तों के मन को आराम मिला है, ऐसी बात कर रहे हैं। और यहां से एक भैया है जो अब बिहार थी पगपाड़ा चाली ने पैदल चल के आए हैं। हाँ, पैदल चल के आए हैं दरभंगा 7-8 से। हाँ। और 5 जनवरी से हम हर एक दिन 40 किलोमीटर चल रहे हैं। अब आप राम का आशीर्वाद लेने के बाद प्रभु श्री शनिदेव के पास जाएंगे, जो हमारे प्रभु राम को न्याय दिलवाने में बहुत योगदान है उनका। और इसी चलते हम खुश हैं अपने जीवन में शनिदेव महाराज से कि आपने न्याय दिया। इसी चलते मैं पद यात्रा से 2020 में बोला था। ये आपकी भक्ति है? आप कहाँ से आए? मैं गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को राम जी बारे में आप क्या कहें? राम जी को कैसे कैसे मानते हैं राम जी को आप? राम जी हमारे लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है, वरिष्ठ सभी के लिए एक आदर्श है। राम जी एक आदर्श है युवाओं के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी है वो ज्यादातर क्या भगवान में इतनी आस्था नहीं रखती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, युवाओं को भगवान में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम है, राम के आदर्शों पे चलेंगे और घर परिवार और उनके जैसे उनसे एक सीख लेनी चाहिए। अब तो बच्चे भी यहाँ पर बच्चे भी हैं। कितने साल के हो बच्चे आप? मैं अभी 11 साल की हूँ। 11 साल की हो? परिवार के साथ आए यहाँ पर जी दर्शन करने? जी। तो दर्शन तो अभी होगा नहीं क्योंकि अभी तो बंद है मंदिर। हा? जी तो पर फिर भी देख के बहुत अच्छा लगा, अपना अयोध्या ऐसा जगमगा गया है पूरा। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर आप जाओगे? यही एक्सपीरियंस रहेगा कि ऐसा पहले क्या अयोध्या में था, अब क्या चीज चेंज हो चुकी है, बहुत अच्छा हो गया अयोध्या। अच्छा, एक भक्तिमय माहौल यहाँ पे देखने को मिला आपको? बहुत अच्छा माहौल है, और यही माहौल सिर्फ अयोध्या में नहीं पूरे देश में फैला हुआ है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं,
लोग उस चीज को समझ रहे हैं, ना सिर्फ दिखावे के लिए लेकिन श्रद्धा से आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज ये है। जी बिल्कुल, आप बहुत मोटी बात करी छे के देखावा माटे नहीं परंतु श्रद्धा ने लेने, श्रद्धा छे लोकोना मन मा आने तेने लेने जावी रहा छे। नाच गान पण अहींया चाली रह्यु छे, कारण के जेटला भक्तो तेनी भक्ति नी रीत पण अलग छे। आ साथे छुं केलाक दृश्य बतावे छीश के हवे जे आखो आ एरिया छे, कारण के पहेलो आपने समझावी देऊ के अहींथी ज्यारे आप लेफ्ट साइड जशो तो त्यां राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल એટલે કે એ મંદિર આવેલું છે, જે નવું મંદિર નિર્માણ થયું છે, અને લતા મંગેશકર ચોક પર અમે અત્યારે ઉપસ્થિત છીએ। અહીંથી બિલકુલ પાછળનો રસ્તો બતાવીશ, જે જોઈને આપને લાગશે કે જાણે આપણે કોઈ મહેલમાં આવી ગયા હોય। જ્યારે કોઈ મહેલ હોય અને મહેલના દરવાજા એટલે કે મુખ્ય ગેટથી જ્યારે આપ આગળ આવો છો ત્યારે આ પ્રકારના દ્રશ્યો પણ આપને જોવા મળતા હોય છે। સિક્યુરિટી ફોર્સ તમામ પ્રકારની અહીંયા આવી ગઈ છે, કારણ કે હવે કોમન પબ્લિક માટે આ જે જગ્યા છે તે ઓપન રાખવામાં નહીં આવે, કારણ કે આગળથી જ લોકોને લગભગ 1.5 કિલોમીટર આગળથી જ લોકોને રોકી દેવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યાંથી કોઈ પણ ગાડીને હવે એન્ટર થવા દેવામાં નથી આવી રહી, જે લોકો પાસે પાસ છે, મીડિયા કવરેજ અને આ સાથે જે વીવીઆઈપી લોકો છે, પોલીસ ફોર્સના લોકો છે, એની જ ગાડી અહીંયા હવે જોવા મળશે। કારણ કે આવતીકાલે પીએમ મોદી આવી રહ્યા છે, ત્યારે પીએમ મોદીની જે સિક્યુરિટી છે હવે તેને લઈને ખાસ સુરક્ષા જે છે ચાક ચોબંધ કરી દેવામાં આવી છે, અને માટે જ લોકોને ત્યાં જ રોકી દેવામાં આવી રહ્યા છે। કેટલાક લોકો જે છે કદાચ ચાલતા અહીંયા આવી રહ્યા છે। આપણે જો વાત કરીએ પીએમ મોદીના કાર્યક્રમની, તો પીએમ મોદી 22 જાન્યુઆરીએ 10:30 વાગે એરપોર્ટ પર, અયોધ્યા એરપોર્ટ પર પહોંચવાના છે, અને આ સાથે જ આપને જણાવીશું કે તે 5 કલાક જેટલો સમય પીએમ મોદી અહીંયા વિતાવશે, અને આ જે રસ્તો છે, મારી પાછળનો જે રસ્તો છે, આ રસ્તાથી જ પીએમ મોદી આગળ વધશે, અને ત્યારબાદ રામલલ્લાના દર્શન કરવા માટે તેઓ જશે, અને જે દર્શનની જે આખી જે વિધિ છે, પૂજા વિધિ છે, એ પણ લગભગ 1.5 કલાક જેટલો સમય એ પૂજા વિધિ પણ ચાલશે। 12:05 થી એટલે કે 12:05 મિનિટથી 12:30 સુધી પૂજાની અલગ અલગ વિધિ ચાલશે, પરંતુ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટેનો જે સમય છે 12:20 આસપાસનો આ સમય છે, અને એ 1 મિનિટ કરતાં પણ ઓછા સમયમાં એ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા જે છે એ પૂર્ણ થઈ જશે। તો આપને પાછળ બીજા પણ એક દ્રશ્યો બતાવીશ કે હવે ધીમે ધીમે માહોલ પણ જામી રહ્યો છે, કારણ કે અહીંયા ઠંડી બહુ છે। ગુજરાતમાં આપણે આટલી ઠંડી નથી અનુભવતા, પરંતુ અહીંયા એ પ્રકારની ઠંડી છે કે લોકો ધીમે ધીમે હવે આવી રહ્યા છે, સર્કલ પર આવી રહ્યા છે। ખાસ કરીને અહીંના જે લોકો છે તેમને રામ વિશે બોલવું બહુ ગમતું હોય છે, રામ ભજન તે લોકોને ગાવા ઘણા ગમતા હોય છે। જ્યારે આપણે વાત પીએમ મોદીની કરી રહ્યા છીએ ત્યારે તેમનો જો મિનિટ ટુ મિનિટ કાર્યક્રમની આપણે વાત કરીએ તો 11 વાગ્યાની આસપાસ એટલે કે 10:55 તેઓ અયોધ્યા એરપોર્ટ પર પહોંચશે, ત્યારબાદ 11:00 થી 12 વાગ્યા સુધી રામ જન્મભૂમિ પરિસરમાં તેઓ રોકાશે, અને ત્યાં તેઓ ભ્રમણ પણ કરશે, જાપ પણ કરી શકે છે, પૂજા કરી શકે છે। ગર્ભગૃહ પરિસરની અંદર તેઓ આમંત્રિત જે લોકો હશે તેમની સાથે તેઓ બેસશે, આ સાથે જ તેઓ પહોંચવાના છે, અને 12:05 થી 12:55 સુધી એટલે કે લગભગ 1 કલાક પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહ છે તે ચાલવાનો છે। રામલલ્લાની આંખો ખુલશે, અને ત્યારબાદ પીએમ મોદી તેમને કાજલ પણ લગાવશે, એટલે સૌથી અગત્યની આ જે ઘડી છે, આ જે સમય છે તે રહેવાનો છે। બિલકુલ, અને આ સાથે વાત કરીએ આજના પણ મહત્વના કાર્યક્રમો રહેવાના છે, નૃત્ય કરવાના છે, અને લોકો જે આવી રહ્યા છે તે લોકોમાં પણ એક પ્રકારનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। એકલા એકલા પણ લોકો ત્યાં ઉભા ઉભા આપની પાછળ ભજન ગાઈ રહ્યા છે। બિલકુલ, અહીંયા રામ ભજન ચાલી રહ્યું છે, ને આપણે તેમની પાસે જઈએ, કારણ કે સવારમાં આપણે એવું કરતા હોઈએ છીએ કે જ્યારે ઠંડી ઉડાડવી હોય ને ત્યારે બે હાથથી આપણે તાળી વગાડતા હોય, ઘસતા હોય, પરંતુ આ જે છે આ ઠંડી ઉડાડવા માટે નહીં, રામ ભક્તિ અહીંયા બોલી રહી છે। રામ ભક્તિ બહુ બઢ ચઢ કે બહુત હી હર્ષો ઉલ્લાસ કા જો તહેવાર મનાતે ઉસે ભી બહુત બઢિયા બના રહે હૈ ઇસ બાર। बहुत ही बढ़िया है, यानी असली दिवाली अब आपको लगता है कि अब आएगी? असली दिवाली है, उससे भी बड़ी दिवाली आज आ गई है, असली दिवाली से भी। और राममय माहौल है, हमारे गांव में भी राममय माहौल है और यहां भी राममय माहौल है। हम झाबुआ जिले से, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले पिंडला तहसील के बनी गाँव से है। हमारे गाँव के नजदीक तारखेड़ी धाम पड़ता है, हम वहाँ से है। कौन सा भजन गा रहे भैया आप? यही गा रहे जो अभी स्टार्टिंग में आया था,
हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। अब तो हालांकि दरवाजे यहां पर कॉमन पब्लिक जो है उसके लिए अब थोड़ा सा बंद कर दिया गया है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस भी है, और पीएम मोदी ने भी कहा था कि आप फिजूल की भीड़ ना करें, आपकी जो भक्ति है आपके दिल में रखे, फिजूल की भीड़ यहां पर ना हो सिक्योरिटी पर्पस से। जी बहुत जरूरी भी था, ये बहुत जरूरी है। हर चीज को सीमा रेखा से देख कर चलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हर चीज को यहाँ जरूरत है, 5 आदमी खड़ा हो जाइएगा, 50 आदमी तो जो होने वाला वो अच्छा से होगा भी नहीं। क्योंकि टीवी पे तो सब दिखेगा आपको, आप अपने आप तो सबके पास मोबाइल में देखिएगा ना, बाकी तारे जरूर देखिएगा ना। 500 वर्ष बाद अपने को सब मतलब मौका मिला है और उसको बहुत बढ़िया से मनाया जाए। अच्छा, 23 तारीख को दर्शन कौन कौन करने वाला है यहाँ पर? बिना दर्शन किए यहाँ से अब जाना ही नहीं है। एक महीना क्यों ना हो जाए, हम आए हैं। एक महीना, हाँ, कि दर्शन एक महीना होगा तो भी दर्शन करके ही जाएंगे, एक महीना रुकेंगे प्रभु श्री राम के लिए। जो हमारे तो दर्शन हो गए, अयोध्या में आ गए, दर्शन हो गए। वो तो इस धरती का ताकत है। वैसे भी मानते हैं ना, भगवान को आंखें बंद करो तो भगवान तो हमारे सामने है। इस धरती ही है वैसा, इस धरती पर पैर पड़ गए मेरे, हम धन्य हो गए। बस राम से मिलिए राम। वो तो दिल में है, वो तो आँख बंद करते हैं देखिए राम दिख रहे हैं। हमारे गांव का माहौल है, देखिए ये प्रभात फेरिया चालू हो रही है, चल रही है। तो आपने बता भी शू के फक्त अयोध्या में नहीं परंतु તેમના ગામમાં પણ આ પ્રકારનો માહોલ છે અને આપ જોઈ શકો છો કે રેલી નીકળી રહી છે ભક્તો યે રેલી હે યહાં પર હા પ્રભાત ફેરી રોજાના 5 બજે સે ચાલુ હોતી હે 7 બજે તક સુબહ સુબહ हाँ रोजाना चालू होती है सुबह 7 बजे तक ये रैली 1 घंटा सुबह चलती है। कहाँ से है चाचा? आए बिहार से आए हैं। बिहार से आए? हाँ। नवादा। अरे इतनी ठंड में क्यों आप इतने दूर से चले आए रामलला से मिलने? बस सिर्फ राम राम की जय। ભક્તિ ઉત્સાહ છે, અહીંયા પણ જોઈ શકો છો કે રામલલ્લાનો ધ્વજ લઈને લોકો આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યાંથી પણ લોકો આગળ આવ્યા છે। આપણે એમને પૂછીએ કહાં સે આયા? બાંગ્લાદેશ સે। બાંગ્લાદેશ સે? क्या वहाँ पे राम नाम की गूंज दिख रही है वहाँ पर भी? वहाँ पे सारे हिंदू लोगों के अंदर राम नाम के गूंज सुनाई देता है। हाँ, वो लोग रहते हैं, हम लोग वही पे रहते हैं जहाँ पे मोदी जी ने गए थे, और जसरेश्वरी ने वही पे हमारा घर है, वही पे हम लोग हैं। 500 सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है, युवा पीढ़ी इसको किस तरह से देख रही है? किस तरह से देखेगा और क्या बोले? नहीं, मंदिर आखिर, क्योंकि पहले तो यही था ना कि मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा, अब तो बन भी गया, दर्शन भी हो जाएंगे आपको। हाँ, हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि ये हमारे सब युवा है ना, सबको एक अवसर मिल रहा है कि हमारा ये हो रहा है। अच्छा, किसको मानते हैं इसके पीछे श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सिर्फ भगवान राम को तो होना ही देना ही चाहिए, होना ही नहीं था, ऐसा जरूर होना है। इसमें हम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से है, दक्षिण डिस्ट्रिक्ट का हूँ रहने वाला हूँ। हम 3 साथी है, हमारे 3 साथी है, हम सब 3 वेस्ट बंगाल से आए हैं, दक्षिण डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हम। तो आप जो शको छो के फक्त ભારત દેશ જ નહીં પરંતુ અન્ય દેશોમાંથી પણ લોકો આવી રહ્યા છે, અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ લોકો આવી રહ્યા છે, અને આ જ છે રામ ભક્તિ, આ જ છે સાધુ સંતોનો પણ અહીં જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે, અને અલગ અલગ જેટલા ભક્તો અમને મળી રહ્યા છે એટલા જે ભક્તો છે તેમની કંઈક અલગ જ વાત, અલગ જ કહાની જોવા મળી રહી છે, અને અહીંયા ગીત સંગીત પણ છે। એક દ્રશ્ય હું આપને બતાવી દઈશ કે ભજન અહીંયા આપણે સાંભળીશું, અહીંયા પણ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ आएंगे आएंगे।